जरा सा याद दिला दिया करो यार, रिकॉर्डिंग ऑफ रह जाती है। एक्स अपान एक्स प्लस वन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। एक्सक्यूज यस यस। सर, सर किसी भी दिन नहीं है कि वीडियो को कभी किसी भी दिन चेक करें तो नहीं आ रही है वीडियो सर। देखो वीडियो क्या है, वीडियो हम लोग का काम नहीं, मोस्टली रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है और वीडियो अपलोड करना ये ब्रजेश तिवारी सर का काम है। ये अपलोड यूट्यूब पे सर, हाँ तो इसलिए उनसे बात कर लिया करो, कहीं छुट जाए किसी दिन तो वो अपलोड कर दिया करेंगे, ये हम लोग का काम नहीं है। रिकॉर्डिंग में ऑन कर, रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा याद दिला दिया करो, हो सकता है मैं भूल जाता हूँ कभी कभार। ए अपान एक्स प्लस वन प्लस बी ठीक है अपान एक्स प्लस टू। देखो मैं इसमें बताया कि ये अगर ये लीनियर हैं, अब कैसे ये ए और बी चूज किया जाएगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट रखना है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर रखना है, मतलब एक डिग्री कम करके ऊपर बनाना है इसको। अब इसके बाद ये है, इसका एलसीएम ले लिया मैंने। एक दो क्वेश्चन करोगे अपने बहुत अच्छे समझ में आने लगेगा। तो ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन, हियर एक्स अपान एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। अभी इंटीग्रेशन की कोई बात नहीं है, खाली इसका फॉर्म ये लाना है मुझे। अब देख लो क्यों कर किया जाता है, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा तो इसका सलूशन निकल ही नहीं सकता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास इंटीग्रेशन का डिवीजन फार्मूला अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये टूट जाए, ब्रेक हो जाए। ब्रेक हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन हम कर ले जाएंगे, और इस फॉर्म में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसी के लिए इतना प्रोसेस किया जा रहा है यहाँ पे। देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, एक्स इक्वल्स हो जाएगा ए एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस वन, और मुझे यहाँ पर इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू निकाल के रखनी है। तो देखो यहाँ से एक्स ए एक्स प्लस टू ए बी एक्स प्लस बी हो गया, एक्स वाले टर्म एक साथ किए तो ए प्लस बी हो जाएगा इन मल्टीप्लिकेशन विद एक्स टू ए प्लस बी एंड हियर एक्स। इसको वही जैसे पिछले में करते थे, कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ इक्वल पावर ऑफ एक्स। यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड ए प्लस बी दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ए का एक्स का कोफिशियंट वन है, वन। इक्वेशन नंबर सपोज इट इज टू हियर, और यहाँ पे टू ए प्लस बी, और इधर कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म जीरो हो गया, थ्री। इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ए इक्वल्स माइनस वन, और फ्रॉम टू टू पे वैल्यू प्लेस कर दिया तो बी इक्वल्स टू दिखने लगेगा, ए इक्वल्स माइनस वन। ए और बी की वैल्यूज यहाँ प्लेस कर दो, फ्रॉम वन एक्स अपान एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ए की वैल्यू माइनस वन यहाँ पर और बी की वैल्यू है टू। अब देखो अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो फिर से यही मिलेगा, कहीं डाउट होने लगे तो देखो, जैसे इसको हम इसका एलसीएम लें, ये रफ वर्क है हमारा, इसको हम हटाएंगे अभी। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, जरा इसको सिंपलीफाई करो, देखो कितना आता है, माइनस एक्स माइनस टू प्लस टू एक्स प्लस टू, टू से टू कैंसिल आउट, माइन प्लस टू एक्स माइनस एक्स, एक्स अपान एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। देख लो यही फॉर्म आ जाएगा तुरंत, ये वैल्यू फिर से मिल जाएगी। बस खाली काम क्या हुआ, इसको तोड़ दिया मैंने ताकि अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इस कंडीशन में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था। ए और बी की वैल्यूज निकालने का ये प्रोसेस था, इस तरह से हम ए की और बी की वैल्यूज निकालेंगे और इस तरह से कांस्टेंट, इसके कांस्टेंट डिसाइड करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर हमारा क्या होने वाला है, इस फैक्टर का न्यूमिनेटर क्या होगा, इसका क्या होगा।
मतलब अगर हम जो वैल्यू मिल रही हो उसका हम सिंप्लीफिकेशन करें तो फिर से वही मिल जाएगा हमें। तो अब देखो ये इसी का इंटीग्रेशन करना था तुम्हें और ये ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे इसके बाद लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ये हो गया x अपान x प्लस वन x प्लस टू डी एक्स माइनस वन अपान x प्लस वन डी एक्स प्लस टू अपान x प्लस टू डी एक्स। तो राइट हैंड साइड माइनस बाहर वन अपान एक्स फॉर्म है और एक्स का मल्टीपल कुछ नहीं दिख रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वन अपान एक्स का होता है इंटीग्रेशन लॉग एक्स। एक्स की यहाँ ये बन गया एक्स प्लस वन प्लस टू लॉग एक्स प्लस टू और प्लस में सी। आंसर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और आंसर इस पावर को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं किस फार्मूले से एन लॉग एम इक्वल्स लॉग एम की पावर एन। इस फार्मूले को यूज करके इस माइनस वन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आएगा क्या लॉग एक्स प्लस वन होल पावर माइनस वन प्लस टू लॉग एक्स प्लस टू प्लस में से यहाँ पर भी इसको यूज कर लो। यहाँ पर ये हो गया लॉग एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन। अब आंसर किस फार्म में लिखा है मुझे नहीं पता है इसका लॉग एक्स प्लस टू सी। और एक फार्मूला और है कि लॉग एम इंटू एन को लिख सकते हैं एम प्लस लॉग एन लिखा जाता है। तो देखो यहां पर ये फॉर्म दिख रहा है मुझे लॉग एम प्लस एन लिखा है तो इसको कन्वर्ट करके हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन इसका इसका मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। तो हम चाहें तो एक लॉग के दो फंक्शन को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या आंसर चाहो तो फर्स्ट स्टेप पे लिख सकते हो यहीं पे। तो अब ये क्या हो गया लॉग एक्स प्लस टू होल स्क्वायर अपान एक्स प्लस वन और प्लस में सी। इन दोनों को एक साथ कर लिया कौन सा फार्मूला यूज किया लॉग यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ बहरहाल फार्मूला तुम्हें ऑलरेडी याद ही होगा लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये दिया हुआ था मैंने इसको ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये वीडियो ये जो क्लास ओवर होगा उसके बाद फिर मैं रिज्वाइन नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम तुम्हारा लगभग ख़त्म हो रहा है। अभी फिर से अगर ले लूँगा क्लास तो फिर दिक्कत होने लगेगी। जो क्वेश्चन नंबर टू है ऐसे इसका एक और करते हैं। देखो यहाँ दिखने में दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है लेकिन क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसका फैक्टर पॉसिबल है इसका फैक्टर हम बना सकते हैं तो ऊपर लीनियर वाला फॉर्म नहीं लिखेंगे पहले तो फैक्टर बनाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा x प्लस थ्री और x माइनस थ्री। अब देखो ये दिख रहा है कि ये प्रॉपर है कैसे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ऊपर कांस्टेंट टर्म x की पावर जीरो और x की एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है क्वाड्रेटिक है ये कांस्टेंट है तो प्रॉपर है। इसके बाद मैंने कहा था कि ऊपर वाला छोड़ दो दिमाग से खाली इस वाले पार्ट को दिमाग में रखो x प्लस थ्री और x माइनस थ्री और हम ये देखेंगे कौन सा जो पांच हमारे पास टाइप है किस टाइप में दोनों डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फैक्टर का हमारे पास फॉर्म है। तो दिखेगा फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाले फॉर्म को पे लिखा हमने ऐसा लिखा a अपान x प्लस थ्री और b अपान x माइनस थ्री a x माइनस थ्री बी एक्स प्लस थ्री और डिनोमिनेटर में एलसीएम एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री।
हियर वन अपॉन एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस थ्री, कंपेयर कर दी तो ए एक्स माइनस थ्री बी एक्स प्लस थ्री। देखो अगर दोनों, एक तो है कि इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अलग निकाल लिया, एक्स के कोफिशिएंट अलग निकाल लिए, कांस्टेंट टर्म अलग निकाल लिए, कंपेयर कर लिया। जब भी अगर फैक्टर हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैं जैसे यहाँ पर, तो उस कंडीशन पे एक शॉर्टकट मेथड होता है आंसर निकालने का, ए किसको निकालने का, ए और बी की वैल्यू निकालने का। कैसे, मुझे दिख रहा है कि दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो एक बार इस फैक्टर को जीरो कर दिया, ऐसा लिख दिया लेट एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, तो एक्स की वैल्यू आएगी थ्री, और इसी इक्वेशन पे प्लेस कर दी। ये क्या है, ये इसी को शॉर्टकट निकालना है। लेकिन ये याद रखना कि ये तभी लगेगा जब फैक्टर हमारे डिफरेंट होंगे, तभी लगेगा। अगर फैक्टर सेम है तो इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब देखो एक्स इक्वल थ्री हो गया, यहाँ थ्री रखोगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री जीरो, यहाँ पे क्या लिखेगा थ्री प्लस थ्री सिक्स आ जाएगा। ईयर वन वन इक्वल्स बी इंटू सिक्स, डायरेक्ट वैल्यू निकल गई। नहीं तो इक्वेशन बना के चार पांच स्टेप बढ़ जाते। फिर दूसरा काम, दो फैक्टर, दूसरा फैक्टर ये है लेट एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो और एक्स इक्वल्स माइनस थ्री ले लिया। अब माइनस थ्री रखोगे तो ये वाला ये पार्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स हो जाएगा। अब क्या हो गया ए के साथ माइनस सिक्स और इक्वल्स वन, ये दो वैल्यूज आ गई और इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर वन पे प्लेस कर दिया। तो फ्रॉम वन वन अपान एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, ए की वैल्यू रखा तो माइनस वन बाई सिक्स एक्स प्लस थ्री, और दूसरा हो गया प्लस वन बाई सिक्स एक्स माइनस थ्री। दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। वन अपान एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री डी एक्स इक्वल्स माइनस वन बाई सिक्स वन अपान एक्स प्लस थ्री डी एक्स प्लस वन बाई सिक्स वन अपान एक्स माइनस थ्री डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन वन अपान एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, यहाँ उसी फॉर्म में है तो लॉग एक्स प्लस थ्री वन बाई सिक्स लॉग एक्स माइनस थ्री और प्लस में सी। तो आंसर चाहो तो इसी पे छोड़ सकते हो या थोड़ा सा और इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। अब आंसर किस फॉर्म में है नहीं पता मुझे, तो इनमें से वन बाई सिक्स कॉमन कर सकते हैं हम, क्या आएगा लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री पहला पार्ट पॉजिटिव वाला और माइनस लॉग एक्स प्लस थ्री और प्लस में सी। हमें पता है कि लॉग एम माइनस लॉग एन को लॉग एम बाई एन लिखा जाता है, तो वही हम वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। बहरहाल आंसर वहाँ पर भी छोड़ा जा सकता था। तो ये हो गया वन बाई सिक्स नॉट सिक्स, तो वन बाई सिक्स लॉग एक्स माइनस थ्री अपान एक्स प्लस थ्री। ये आंसर हो जाएगा। देखो ये जो फॉर्म है पार्शियल फॉर्म, इसमें क्या है कि इसमें ये एक तरह से फंक्शन को तोड़ने का, ब्रेक करने का फॉर्म है कि अगर हमारा फंक्शन इस तरह का है कि जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह से उसे ब्रेक करके हम उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल बनाएंगे। तो उनके कुछ प्रोसेस हैं जिस प्रोसेस को यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो ये थोड़ा डिफिकल्टी होगी। बहरहाल एक इसका और फॉर्म है, देखो ऐसा लिखा है ना एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डी एक्स,
अभी एक फार्मूला पढ़े हो, कौन सा? अभी इसी के इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के पहले एक फार्मूला पढ़ा है तुमने, यह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/2 a log x माइनस ए। इस फार्मूले पे वैल्यू रख दो क्या आएगा, 1/2 a log x माइनस थ्री। ऐसा भी आंसर हो सकता है, तो चाहे तो फार्मूला याद हो तो उसी पर रख दो, उस पर भी आंसर आ जाएगा, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो तीन तीन लाइन में क्वेश्चन हो गया, वहाँ पे डेढ़ पेज लगेंगे। और जो क्वेश्चन आएगा वो बाय मेथड नहीं आता है, बस खाली लिखा रहेगा इंटीग्रेट द फंक्शन। अब तुम चाहे जैसे सॉल्व करो, ये इट इज अप टू यू। अब इसके बाद अगर मैं ऑन करूंगा तो ये तुम्हारा कितने टाइम बचा हुआ, नहीं हो पाएगा, तो 1 मिनट बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आगे, अब ये तीन डिफरेंट फैक्टर्स का है डिनोमिनेटर में, इसमें जो तीसरा फॉर्म है उसको यूज़ करेंगे, जो पार्शियल फ्रैक्शन का तीसरा फॉर्म है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में यूज़ होगा। कल कराएंगे ना, हाँ मंडे को? हाँ मंडे को, कल नहीं,